हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग पता है, ओ लेवल गुरुजी चैनल पर मैं रोजाना आप लोग के लिए ओरिजिनल पेपर की क्लासेस लेकर आता हूं, और आज भी मैं आप लोग के लिए शानदार क्लास लेके आऊं, जिसमें आज हमारे दो शिफ्टों में जो पेपर हुए थे उसके क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को के सामने शो करने वाला हूं। अभी मैं आपको सॉल्यूशन थोड़ा सा हिंट दे के बताऊंगा कि आप लोग इसको सॉल्व करिए। अगर आप लोग को इसकी पूरी वीडियो चाहिए तो आप हमें कॉमेंट में बताइए, कॉमेंट बॉक्स में आप हमें कॉमेंट करिए, सर हमें इसकी पूरी वीडियो कोडिंग के साथ चाहिए, तो मैं आप लोग के लिए रात में कोडिंग वाली वीडियो बना दूंगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे और मैंने ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग को प्रैक्टिकल में प्रोवाइड कराए हुए थे। जिन्होंने भी स्टूडेंट्स ने हमारी पीडीएफ परचेस किए उनको तो सारे क्वेश्चन ही आ ही गए थे, बता भी रहे थे, काफी स्टूडेंट ने मैसेज भी किए हुए हैं मुझे। जैसे पहला क्वेश्चन आया था, राइट डाउन द नेम ऑफ एनी फोर स्टेट इन इंडिया यूजिंग ऑल टाइप ऑफ लिस्ट। ठीक है, कुल मिला के क्या था, हमें एक लिस्ट बनानी थी जिसमें क्या करना था, हमें हर एक टाइप की लिस्ट का यूज करके जो हमारा स्टेट है उसके नेम हमें यहाँ पे लिख देने थे। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन आया था, करना कैसे था, राइट डाउन द, हमें यहाँ पे कुल मिला के लिस्ट बनानी थी, तो एक आपको क्या बना देनी थी, ओ एल टैक्स से बना देनी, ओ एल एल आई, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इस तरह से आपको बना देना, लास्ट में आपको यूएल क्लोज कर देना है, सॉरी अगर ओएल ओपन किया तो ओएल क्लोज कर देना, फिर इसी में आपको कॉपी पेस्ट कर देना, उसमें क्या क्या कर देना, आपको इसी कंडीशन में आपको लगा देना है, यहाँ पर यूएल लगा देना है। ठीक है, फिर आपको डीएल डीडी वाली जो लिस्ट होती है वो वाली लिस्ट भी आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, एक वो वाली लिस्ट भी होती है हमारी, जैसे कि हम लोग सर्किल में बना सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर वाली आती है बाय डिफॉल्ट, हम लोग क्या कर सकते हैं, ओएल टाइप इक्वल टू दे दें, ओएल टाइप इक्वल टू हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, हमने कैपिटल डिफाइन कर दे सारी एबीसी से आ जाएगी लिस्ट, दूसरी हमने क्या डिफाइन कर दी, स्मॉल ए से कर दिया तो एबीसी से डिफाइन हो जाएगी, तो ये अलग अलग टाइप की लिस्ट है हमें इस क्वेश्चन में बनानी थी, तो आप लोग ट्राई करिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो तैयार कर दूंगा आप लोग के लिए पूरी कोडिंग का। ओके, दूसरा जो क्वेश्चन आया था ये तो बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन आ गया हमारा, जो कि हमने आपको पीडीएफ में बताया हुआ था, वही क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रिपीट हो गया है। तो जो दूसरा क्वेश्चन आया था बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने पीडीएफ में दिया था, और अभी हमने जो मैराथन क्लास अपलोड की हुई थी उस मैराथन क्लास में हम लोग आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो वाला जो क्वेश्चन था वो हमने आपके लिए अपलोड भी किया हुआ था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन में सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे एक टेबल आपको दिख रही है, इस टेबल में आपको एम्प्लॉय डेटा एंटर करना है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया था इस तरह के क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, यहाँ पे चार कॉलम बन रहा है, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे जब आपको टीआर लगाना है, टीआर में जब आप टीएच लगाएंगे तो टीएच में आपको क्या लिख देना है, कॉल स्पान की जो वैल्यू है, कॉल स्पान इज इक्वल टू आपको 4 लिख देना है, और उसके अंदर आपको क्या लिख देना है, एम्प्लॉय डेटा, जब आप उसके अंदर लिख देंगे एम्प्लॉय डेटा, फिर आपको क्या कर देना है, टीएच को फाइनली क्लोज कर देना है, जब आप उसमें टीएच को क्लोज कर देंगे तो टीएच को क्लोज करने के बाद इसमें आप लोग को पहली वाली टीआर को भी क्लोज कर देना है। ठीक है, तो इसके द्वारा आपकी क्या हो जाएगी, पहली वाली जो रो है, वन मिनट यहाँ पे, ठीक है, तो जो आपकी पहली वाली रो है इसके अकॉर्डिंग, तो पहली वाली रो तो बन जाएगी। अब बिल्कुल सिंपल सा टेबल वाला प्रोग्राम है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर टीएच को ओपन करना है, टीएच को ओपन करने के बाद जैसे टीएच हो जाएगा, टीएच को ओपन कर देना, इसमें आपको क्या लिख देना है, नेम लिख देना है। ठीक है, फिर आपको क्या कर देना है, नेम लिखने के बाद टीएच को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, दूसरे में क्या लिखना है, डिपार्टमेंट लिखना है, तीसरे में डिजाइनेशन सैलरी, ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, आप लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे, तो इस तरह से आपको ये वाली कोडिंग यहाँ पर करनी है। उसके बाद आप लोग नीचे क्या है, टीडी वाले सारे टैग हैं, अनामिका, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सब आपको टीडी में लिख देना, फाइनली आपको क्या कर देना है, टीआर टैग को वहाँ पे क्लोज कर देना है। नेक्स्ट जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, लिखा है डिजाइन द फॉर्म ऑफ द जूनियर मेंबरशिप स्विमिंग पूल हैविंग द फील्ड एज नेम एड्रेस, ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, मैंने आपसे पहले ही बोल रहा था कि कोडिंग में हमारा जो फॉर्म वाला प्रोग्राम है वो 100% आएगा, और आज हमारे दोनों ही शिफ्टों में फॉर्म से प्रोग्राम आए थे। ठीक है, एक में हमारा कॉन्टेक्स फॉर्म बनाना था, और दूसरे में आप देख रहे हैं स्विमिंग पूल वाला यहाँ पर फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो दूसरे में आप देख रहे हैं स्विमिंग पूल वाला फॉर्म बनाना है, अब क्या क्या बनाना है, नेम में हमें यहाँ पर नेम लेना है, एड्रेस लेना है, कॉन्टैक्ट नंबर, एज, मेंबरशिप ड्यूरेशन कितनी है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, तो इसमें आप लोग सिलेक्ट लगा सकते हैं, मेंबरशिप ड्यूरेशन में क्या लगा देना, सिलेक्ट लगा देना, ऑप्शन में 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ये आपको अपने अकॉर्डिंग ले लेना है। आप लोग सॉल्यूशन करिए, जैसे कि मैं अभी आपको क्या दे रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग मुझे कॉमेंट करिएगा, सर हमें सॉल्यूशन कोडिंग के साथ आप हमें प्रोवाइड करा दीजिए, तो आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं उसमें जैसे नीचे लिखा है एड्रेस इज फिल्ड विद टेक्स्ट एरिया अप्लाई द वैलिडेशन, अब इसमें क्या है, आपको वैलिडेशन वगैरह भी लगाना है, एज टू एक्सेप्ट द नंबर है ना, रेंज इसमें लगाना है आपको, मेंबरशिप ड्यूरेशन शुड बी ऑप्शन बटन, जैसे मैं आपको बता रहा था इसमें भी लिखा हुआ कि आपको कैसे देना है, ऑप्शन बटन के साथ ही आपको देना है, जो कि इसमें लिखा हुआ भी है, तो उसी तरह से मैंने आप लोग को बताया भी है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्रिएट अ इमेज गैलरी हैविंग 3 रो 3 कॉलम, मतलब कि इमेज गैलरी बनानी थी, इसमें 3 रो 3 कॉलम होंगे, इस तरह से 3 रो और आपके 3 कॉलम यहाँ पर होंगे, और इसके अंदर क्या है, इमेजेस की गैलरी हमें पूरी बनानी हुई थी, फोल्डर्स में पिक्चर्स आपको वहाँ पे असेट नाम का ऑप्शन आप देख पा रहे हो, अगर आप लोगों के सामने ओरिजिनल पेपर है तो असेट नाम के ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें ऑडियो वीडियो लिंक्स वगैरह सब कुछ आप लोगों को इसमें से ही मिल जाएंगी, तो आप लोग यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं, जो कि वहाँ पर होती हैं सारी पिक्चर्स वगैरह, ऑडियो वीडियो सब कुछ वहीं पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, ये नेक्स्ट इतना क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं।
इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, जावा स्क्रिप्ट से आया हुआ था। हमें सिंपल सा सैम्पल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हुआ था। द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल टाइम जैसे लिखा टेंसल टाइम इज इनपुट बाय द यूज़र, मतलब कि हमें जो पी है वो भी यूज़र से एंटर करवाना था और जो टाइम है वो भी हमें यूज़र से एंटर करवाना था। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी क्वेश्चन आया हुआ था। किस तरह से करना था, जैसे पी इक्वल टू क्या लिखना था, पार्स एंड, ठीक है, पार्स एंड, और इसके अंदर क्या लिख देना था, प्रॉम्प्ट, ठीक है, पार्स एंड प्रॉम्प्ट, यहाँ पर डबल कोट्स में लिखना था एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, और ऐसे में क्या करना था, टाइम एंटर करना था। टाइम एंटर करवा लेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या एंटर करवाएं, टी एंटर करवा लें। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई थी, चेक इफ़ द वैल्यू प्रिंसिपल इज़ ग्रेटर देन 10,000 देन रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अगर हमने वैल्यू एंटर की है किसकी, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, जो हमने वैल्यू एंटर की, सॉरी, जो हमने प्रिंसिपल की वैल्यू एंटर की है, अगर हमने ग्रेटर देन 10,000 एंटर की है, तो जो हमारा आर की वैल्यू होगी, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का पूरा टोटल फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। अगर हमारी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 10,000 है, किसकी वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 10,000 है, अगर हमने पी की वैल्यू एंटर की ग्रेटर देन 10,000, तो इस कंडीशन में जो आर जो हम एस आई लगाएंगे, एस आई कितना लगेगा यहाँ पर, इसमें लगा पी इंटू आर, आर कितना है 10 इंटू टी, मतलब यूज़र जो एंटर करेगा, और डिवाइडेड बाय 100, ये हम लगाएंगे और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे किसमें, अलर्ट बॉक्स में, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले द रिजल्ट इन अलर्ट बॉक्स, ठीक है। तो जो हम लोग अलर्ट बॉक्स यहाँ पे लगाएंगे, अलर्ट इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पे कैसे लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इस तरह से हम लोग लिख देंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू किस में हमारा, ये जो ऐसा ही में, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऐसा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस यहाँ पर आप लोग का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा, ओके। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट जैसे ही आपका कैलकुलेट होकर यहाँ पर आएगा, और फाइनली जब आप यहाँ पर रन करेंगे प्रोग्राम, तो कैलकुलेट होकर कंप्लीट आपका आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी जो वीडियो, ये जो क्लास है, इसमें मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता दिया है, और एक क्वेश्चन ये इमेज गैलरी का रिपीट है, इसलिए इसको तो फिर से बताने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा तो किस तरह से क्वेश्चंस आया था। तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब में सब्सक्राइब भी जरूर करिए, साथ ही साथ बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ओके। तो ये अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको सॉल्यूशन की भी वीडियो मिल जाएगी, बस आप हमें कमेंट करिए, ओके। बाकी शाम को आपको जो वीडियो मिलेगी, शाम को आप लोग को M1 की क्लास मिलेगी, आज के दोनों ही शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के साथ। तो जो भी आप लोगों को डाउट्स हो आप लोग बताइए, M1 की क्लास आपको चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसकी चाहिए तो भी आपको बताइए, ओके। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।